subscribe to Shemaroo Shorties and click the bell icon to never miss an update. मिल गए। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। अजीब इत्तेफाक है, मैं भी आप ही के बारे में सोच रहा था। कल के भागदौड़ और घबराहट में मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल ही गई थी। शुक्रिया किस बात का? आपके लिए सांड तो क्या हम शेर से भी लड़ जाते? आप जितने बहादुर हैं उतने ही शरीफ भी। आपने हमें इतना जल्दी पहचान लिया क्या? कल आपने जो एहसान किया। एहसान छोड़िए ना, पहले ये बताइए आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं तो आपको? लगी है। कहाँ? जान के क्या करेंगी आप? मैं आपको वैद्य के पास ले जाऊंगी, वो आपकी मलहम पट्टी कर देंगे। हमारी चोट वैद्य के मरहम से ठीक नहीं होगी। क्यों? चोट कुछ अलग किस्म की है। मैं कुछ समझी नहीं। कोशिश कीजिए, जरूर समझ जाएंगी। शैतान सिंह, मंगल ने तो सचमुच कमाल कर दिया। चल गांव में चलते हैं, शायद कुछ चिड़िया अपने भी हाथ लग जाए। अरे बेवकूफ, मंगल ने कोई चिड़िया नहीं फंसाई, अपनी मौत को दावत दी है। और हमें यह खबर फौरन जाकर अपने उस्ताद तक पहुंचानी चाहिए। उससे क्या होगा? बस तू चुपचाप देखता जा, अपना उस्ताद इस लड़की के जरिए मंगल का सर्वनाश किस तरह करता है। क्या बात है दिलदार सेठ, आज तो बड़ा दिल दिखा रहे हो, जरूर दाल में कुछ काला है। तुम्हारा हमारा तो पुराना साथ है सरदार, तुम ठंडे तो हम ठंडे, तुम गर्म तो हम गर्म। पहले मत बुझाओ, साफ साफ बोलो क्या बात है। तुम बड़े खुश नसीब हो सरदार। वो कैसे हो दिलदार? बात दरअसल ये है, यहाँ एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। रहता होगा, हमें क्या? पूरी बात तो सुनो। बोलो बोलो। उस सेठ के घर में एक बहुत अनमोल मूर्ति है, वो भी सोने की बनी, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई, और वो मूर्ति 5 साल में एक बार बाहर निकाली जाती है। और तुम्हारी खुश नसीबी से ये 5वां साल। यानी इस साल वो मूर्ति बाहर निकाली जाएगी? क्यों? हाँ क्यों नहीं, हमें उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं समझ गया दिलदार सेठ, यानी तुम्हारी नजर उस मूर्ति पे है। तुम्हें मुंह मांगने नाम मिलेगा सरदार। और तुम्हें मूर्ति मिल जाएगी सरकार। बहुत खूब सेठ। 30 मार। हाँ वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सब माल का कमाल है सेठ, माल। ये मजूरी है या ठीक? तुम लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। भाग तुम हमारा। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं, जरा इस मूर्ति को गौर से देखो और फिर इस मुट्ठी भर कागज को। कबीले की जिंदगी को दांव पर लगाकर इस मूर्ति को हमने हासिल किया है। क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? कबीले की जिंदगी मैं हूं, तुम लोग मेरे ही बताए हुए रास्तों पर चलते हो। मैं हूं तो कबीला है और हम हैं तो तुम्हारे खजाने भरे हुए सेठ। नाम दिलदार है तो जरा दिल भी तो दिखाओ। दिल देखना है तो कोई जीती जागती मूरत लाओ, कोई ऐसी सांवली सलोनी जिसकी आंखों की चमक इस वीरान जंगल के अंधेरे को दूर कर दे, जिसकी मुस्कुराहट हमारे सोए हुए दिल को फिर से जगा दे। बस सेठ, तस्वीर बन चुकी है। जिस चंचल की मूरत तुम्हारे दिमाग में है, मां कसम उसे तुम्हारी बाहों में डाल दूंगा। क्या बात है 30 मार खां, जो बात हमारे दिल में थी वो तुम्हारी जबान पर आ गई। हाँ सेठ, एक तीर दो शिकार। क्या बात है, आज जवानों को खाली हाथ लौटना पड़ा।
खाली हाथ भिखारी लौटते हैं सेठ, बहादुर नहीं। हेलो सेठ, जगा लो अपने सोए हुए दिल को। तीस माह पहले दाम। कन्या देखे बिना हम दाम नहीं देते और दाम लिए बिना हम कन्या नहीं देते। बहस से क्या फायदा सेठ, ये लो देख लो अपनी कन्या। मुझे यकीन हो गया कि आसमान से तारे भी तोड़े जा सकते हैं। ले लो तुम्हारी बहादुरी का इनाम। लो। अरे मेहनत का रुपया लेने में झिझक किस बात की प्यारे? बेशरम, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तो तेरे इरादे मजबूत रहे, अब इन कागज के टुकड़ों को लेते हुए तेरे हाथ क्यों रुक गए? उठा ले अपनी मेहनत की कमाई को और जाकर अपनी माँ के चरणों में रख देना। उससे कहना कि मैं जवान जिस्मों का व्यापार करके तेरे दूध का हक अदा कर रहा हूँ। जबान को लगाम दे छोरी, वरना ऐसे कुत्तों के आगे डाल दूंगा जो तेरी हड्डियां तक चढ़ जाए। मेरी लाश ही जा सकती है तेरे इन पालतू कुत्तों के पास कमीने, लेकिन मरने से पहले मैं इन दरिंदों का असली रूप देखना चाहती हूँ, जो औरत की इज्जत बेचकर रात को चैन से सो सकते हैं। कौन हो तुम? पुलिस आ रही है, अभी बताने का वक्त नहीं, वो तुम्हें घर पहुंचा देंगे, जाओ। मकान को घेर लो। वो लोग कहां हैं जो तुम्हें उठा कर ले आए थे? वो डाकू मुझे यहां बेच कर चले गए और वो बदमाश मेरी इज्जत लूटना चाहता था। रोते नहीं, धीरे से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जीप में बैठो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। सरदार। ओ दिलदार सेठ, तुम कहो क्या बात है? दिलदार खोटे धंधे जरूर करता है लेकिन नियत हमेशा खड़ी रखता है, ये नहीं कि पैसे भी हजम और माल भी गायब। माल तुम तक पहुंचा दिया गया था दिलदार सेठ, तो फिर पुलिस वहां कैसे पहुंची? ये हम नहीं जानते, हमारी जिम्मेदारी तुम तक माल पहुंचाने की थी। एक तरफ तो माल पहुंचा दिया और दूसरी तरफ पुलिस को खबर कर दी। दिलदार सेठ, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, झूठा इल्जाम नहीं। इल्जाम कैसा? ये काम तुम्हारे किसी आदमी का है। खबरदार, अगर तुमने मेरे किसी भी आदमी पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगा। शोलों से खेलने वाले आग से नहीं डरते सरदार, मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। रुपए वापस नहीं होंगे। फिर सोच लो सरदार। इसमें सोचने की क्या बात है, तुमने जिस काम के लिए रुपए दिए थे वो काम हमने कर दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ऐसा ना हो सरदार के मुझे बरसों के संबंध तोड़कर पुलिस में जाना पड़े। पुलिस में जाने से पहले ये मत भूलना दिलदार कि चोरी का माल देने वाला और चोरी का माल लेने वाला दोनों बराबर के मुजरिम होते हैं। लेकिन तुम भी याद रखो सरदार, मेरा माल तुम्हें आसानी से हजम नहीं होगा। समझे? अच्छा। मंगल, क्या ये सच है कि तुमने जिस लड़की की जान बचाई थी उस लड़की के लिए तुमने कबीले से गद्दारी की है? ये तुम क्या कह रही हो? मंगल तुम्हारा बेटा है, तुम अपने ही खून पे शक कर रहे हो? क्या तुम्हारा खून कभी तुमसे गद्दारी करेगा? ये बात मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं। बोल मंगल, सच्चाई क्या है? बोल। कहीं तेरी ये खामोशी कबीले के शक को यकीन में न बदल दे। जवाब क्यों नहीं देता? तू कबीले का वफादार है या गद्दार? मंगल, 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 ये वही छोकरी है सरदार। मंगल, जानते हो डाकू मुझे उठा ले गए थे, मुझे एक शैतान के हाथ बेच दिए, लेकिन इससे पहले कि वो मेरी इज्जत पर हाथ डाले एक देवता वहां आ गया और मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन जब मैं घर लौटी तो मुझे पता चला कि मेरे गम ने बापू की जान ले ली है। मैंने गांव वालों को अपनी पवित्रता और बेगुनाह का विश्वास दिलाना चाहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे कलंक नहीं समझकर
मुझसे आंखें फेर ली, मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मेरे पास क्या लेने आई हो तुम? मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं दे सकता। हम ठहरे खानाबदोश, आज यहां तो कल वहां, खुले आसमान के नीचे जहां डेरा लगा लिया वहीं कुछ दिन गुजार लिए। डेरा उठ गया तो वहां से चल पड़े। जिंदगी भर चलना ही हमारी जिंदगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम चली जाओ यहां से। चली जाओ और क्या, तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? मैंने तुम्हारी जान जरूर बचाई थी लेकिन इंसानियत के लिए, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बसा लूं। शायद भूल मेरी अपनी ही थी, मैंने हमदर्दी को प्यार समझ लिया। जब तुम्हें अपनी भूल का पता चल गया तो फिर खड़ी क्यों हो, जाती क्यों नहीं? मुझ पर सिर्फ मेरे कबीले का हक है। मैं तुझे से मिलने आई हूं। क्यों? तेरी भलाई के लिए। क्या मतलब? तू औरत है ना, इसलिए मुझे तुझसे हमदर्दी है। साफ साफ बता तुम कहना क्या चाहती हो। मंगल से तू मिलना जुलना छोड़ दे। मगर वो मुझसे प्यार करता है। प्यार नहीं, प्यार का नाटक करता है। क्या बकती है? मंगल ही वो आदमी है जो तुझे तेरे घर से उठा कर ले गया था। क्या? और उसी ने दिलदार सेठ के साथ तेरा सौदा किया था। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल सच है। ये देख, ये देख, ये देख। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। एक बात और सुन ले, मंगल अपना कबीला छोड़कर तेरे पास कभी नहीं आ सकता। उसकी शादी होगी तो सिर्फ कबीले की किसी लड़की के साथ। शोभा, तुम फौरन स्टेशन चली जाओ और वहां एक खबर कर दो कि सोने का खजाना लूटने के लिए डाकुओं ने आज गाड़ी को बारूद से उड़ा देने का फैसला किया है। कौन से डाकू? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है शोभा। जरूरी है, इसलिए तो पूछ रही हूं। कहीं खजाना लूटने वाला डाकू। ये तो नहीं शोभा, ये तो नहीं, ये तो नहीं। चुप क्यों हो? जवाब दो। मुझे बिजली ने सब कुछ बता दिया। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, मगर पुलिस स्टेशन जाऊंगी ताकि तुम्हारे असलियत का भाड़ा फोड़ सकूं। शोभा मैं कहता हूं रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूं छोड़ दो, मैं कहती हूं। मुझे माफ करना शोभा, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम ठीक समय पर आ गए मंगल, गाड़ी आने में बहुत कम वक्त रह गया, जल्दी चलो। मैं तुमसे फिर एक बार कहता हूं, चलो वापस चले। दुर्जन जिस काम का बीड़ा उठा लेता है उसे पूरा करके छोड़ता है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं, इस खतरनाक काम से सैकड़ों मासूम लोगों की जाने जा सकती है। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, मैं तो अब खजाना लेकर ही वापस जाऊंगा। देख लिया फंतूर, मंगल कबीले का वफादार है या गद्दार? ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये सच है सरदार, मंगल ने हमें धोखा दिया और उसी का कारण आज हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। एनी न्यूज मिस्टर खन्ना? नो सर, 15 दिन हो गए हैं, ट्रेन को लूटने की कोशिश करने वालों का कोई पता नहीं चला। बड़े अफसोस की बात है। आपके कहने के मुताबिक
हमने अपने कुछ आदमी कबीले में भेज दिए और कुछ लोगों को खबरी बनाने की भी कोशिश की, मगर कोई तैयार नहीं हुआ। बादव है, मंगल की कोई खबर मिली? जी हाँ, पिछले 15 दिन से मंगल कबीले में नहीं गया है और कबीले वाले खास करके दुर्जन के कुछ आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। देख, तुझसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तू हमें सिर्फ इतना बता दे मंगल कहाँ है, हम तुझे अब भी छोड़ सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। तू सब कुछ जानती है और तुझे ये बताना ही पड़ेगा मंगल कहाँ है, बता। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी तो तुम्हें कभी न बताती। नहीं बताएगी? नहीं नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तितली बता मंगल कहाँ है? मुझे कुछ दे मालूम। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो अपने यार को बचाने की कोशिश कर, मगर याद रख जब भी उस कुत्ते को मालूम पड़ेगा कि तू हमारे कब्जे में, वो अपने आप तुम ही जाता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। मंगल, तुम पर इल्जाम लगाया गया है कि तुमने अपने कबीले के साथ गद्दारी की है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आज मुझे अपने कबीले के सामने अपना सर झुकाना पड़े। तुम पर इल्जाम है कि तुमने उस लड़की को दिलदार सेठ से छुड़ा लिया, जिसे उन तक पहुंचाने की कीमत हमें मिल चुकी थी। तुम पर इल्जाम है कि तुमने कबीले के खिलाफ सरकारी आदमियों की मदद की और लाखों का खजाना हमारे हाथ आते आते रह गया। तुम पर इल्जाम है कि तुमने कबीले की लड़की को ठुकरा कर एक ऐसी लड़की के साथ मोहब्बत की जिसका के कबीले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम कबूल करते हो कि ये सब इल्जाम सही है? मैंने जो कुछ भी किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया और अपना फर्ज समझकर किया। मंगल, हम सिर्फ इतना सुनना चाहते हैं कि तुमने कबीले के साथ गद्दारी की है या नहीं। अगर एक मासूम लड़की को किसी की हवस का शिकार होने से बचाना गद्दारी है तो मैं गद्दार हूं। मंगल, तुम इन फजूल बातों से कबीले को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। नहीं दुर्जन, मैं भटके हुए कबीले को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कबीले पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा। कल तक मैं भी इस कबीले का साथ देता रहा, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि कानून को अपने हाथ में लेकर हम आज तक गलत रास्ते पर चलते रहे। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ हमारी देश की सरकार को है, और वही एक सच्चा कानून है, क्योंकि वो किसी एक कबीले के लिए नहीं, एक मुजरिम के लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए है। हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं। कबीले के कानून के मुताबिक हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। मंगल, हमने फैसला किया है कि तुम्हें अपने हाथों से सजा दें, ताकि तुम्हारे खून से उस कलंक को धो सके जो तुम्हारी वजह से हमारे माथे पे लगा है। एक बेटे का इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है बाबा, जो मरते मरते भी अपने बाप के काम आ सके। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो हमें बता दो। मैं मरने से नहीं डरता बाबा, लेकिन एक चूहे की तरह नहीं, शेर की तरह मरना चाहता हूँ। क्या मतलब? मैं मरने से पहले वो गलत इल्जाम को मिटा देना चाहता हूँ जो मुझ पर लगा है। अब्दुल, शेर को खोल दो। इन जानवरों को इंसान बनाने के लिए अगर आज मुझे अपने खून से होली खेलनी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आज इस खेल में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मेरी कुर्बानी तुम लोगों को जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाएगी, और अगर आज मैं इस खेल में जीत जाऊं तो आज के बाद फिर कभी इस कबीले में खून की होली नहीं खेली जाएगी। दोनों में से चाकू किसने मारा? कांस्टेबल्स, ले चलो उसे। सरदार, दुर्जन को मैंने उसके पिता के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया है। तुम लोगों को भी चोरी डकैती और जवान जिस्मों के व्यापार के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। हम तैयार हैं इंस्पेक्टर साहब,
आज मंगल ने मेरी और कबीले की आंखें खोल दी। देश का कानून जो भी सजा देगा हम भुगतने को तैयार हैं।